Good afternoon, dear students. Good afternoon, and welcome to the GradeUp, the India's largest e-learning platform. Come on, dear students, join this session very fast. Chalo, jaldi se aa jao, dear students. This is the series Lux for HPCL and HAL, dear students. We have started already. We have completed two sessions. One session was on casting and welding technology. Second session we had day before yesterday, metal forming. Today very important topic, dear students, we are going to discuss today, metal cutting and machining. Come on, dear students, join the session very fast. चलो भाई जल्दी से आ जा, चालू करते हैं आज का सेशन. एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? चलो चलो, हैव सम मूवमेंट इन द चैट बॉक्स. लेट अस स्टार्ट टुडे. रीमो वेलकम डियर, वेलकम रीमो, वेलकम वेलकम वेलकम. चलो भाई जल्दी से आ जाओ. चलो चालू कर दिया हमने आज का सेशन. चलो चलो यस रिमो, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल रिमो? चलो भाई चलो, सब अपना अपना दिखा दो प्रेजेंस वहां पे चैट बॉक्स पे. जल्दी से जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज अबाउट मी. I am Omkar, having more than 10 years of experience for teaching GATE and ESE. Till now I have mentored more than 10,000 number of students for GATE and ESE. And my area of expertise are production and industrial engineering, include mechanics, mechatronics and robotics as well. S. Ashik, hello dear. Thirumalai, once again, very very good, very good. So many students are there. Chalo, aa jao, apni present do wahan pe chat box mein, so that we can proceed. चलो आज का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है मेटल कटिंग. पल्लव दे, गुड मॉर्निंग पल्लव, गुड मॉर्निंग पल्लव. चलो भाई, सो आपको आंसर देने मुझे. आई विल बी शोइंग यू द क्वेश्चंस. डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी द आंसर एट द लास्ट, बट आप पहले ट्राई करोगे. चलो प्लीज सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है. सब्सक्राइब अवर चैनल मैकेनिकल मार्वल्स, राइट? And do follow me on the GradeUp app. Do follow me on the GradeUp app, dear students. Chalo, you know this is the Vision batch, the Vision 2022 batch, dear students, for GATE and ESE students. Very, very ideal course for the second and third year students, dear students. Right, you can see the course details. More than 950 live classes, more than 10,000 practice questions, 100 plus mock tests, 120 plus chapter wise study notes. कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा. ओके, कोई भी डाउट हो आपके दिमाग में रिलेटेड टू दिस कोर्स, एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट अस. भौमिक, भौमिक गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून. सो चलो आज का सेशन चालू करते हैं. यस, विद द फुल जो चालू करेंगे आज का सेशन मेटल कटिंग एंड मशीनिंग के ऊपर. HAL HPCL के रिलेटेड हमने ये सीरीज चालू की थी, सीरीज लक्ष्य. So, बताओ उसके रिलेटेड ही पूरे क्वेश्चंस किए गए हैं डिजाइन. चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा. इन अ मेटल कटिंग विद अ कार्बाइड टूल एट द मैक्सिमम रिकमेंडेड स्पीड द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ हीट जनरेटेड गोज टू. चलो भाई आंसर दे दो इसका जल्दी से. मेटल कटिंग में जब भी कभी जो भी बॉन्ड ब्रेकेज होता है शीरिंग की वजह से, सो मैक्सिमम एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट होके बाहर निकलती है.
ओके मेटल कटिंग जोन में आप अगर देखोगे तो देयर आर थ्री मेटल कटिंग जोन्स वी आर हैविंग, प्राइमरी जोन, शियरिंग जोन एंड दिस इज टर्शियरी जोन। सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है सेकेंडरी जोन, सॉरी प्राइमरी शियर जोन में, ओके जहां पे बॉन्ड मटेरियल के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, शियर होते हैं। बट वो जो हीट कैरी करके ले जाते हैं, ज्यादा ज्यादा हीट कैरी करके कौन लेके जाती है? यस अप टू मैं बात करूं 75 to 80% ऑफ हीट इज गैरिड गेट कैरीड आउट बाय, कौन लेके जाते हैं सबसे ज्यादा हीट? वेरी नाइस डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन, यस वेरी गुड। सबसे ज्यादा हीट जो कैरी करके ले जाता है, मतलब आपके पास एक तो चीप है, आपके पास वर्क पीस है, आपके पास टूल है, बट इन तीनों में से ज्यादा लेके जाने वाला कौन है? ये अपनी चीप। यस वेरी गुड वेरी गुड। अराउंड 75 to 80% ऑफ द वट एवर प्रोड्यूस्ड हीट इन द मेटल कटिंग जोन गेट कैरीड आउट बाय, दैट कैरीड अवे बाय, लेके जाती है कौन? चीप। उसके बाद अगर बात करूं तो टूल, राइट, देन वर्क पीस, बट आउट ऑफ दैट सी, जो अगर हम बात करें ज्यादा से ज्यादा चीप हीट कैरीड अवे बाय द चीप फर्स्ट, देन वी आर हैविंग द वर्क पीस, बट सबसे कम जो ले जाता है वो होता है टूल। 5 to 10% ऑफ हीट इज गेटिंग कैरीड अवे बाय द टूल। ओके वर्क जो ले जाता है ज्यादा से ज्यादा 10 से 15% तक वर्क ले जाता है, राइट? सो यस बी बॉम्बे इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। यस 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 वेरी गुड, बी करेक्ट बी करेक्ट बी करेक्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजी यूजिंग द टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन विद द एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू 0.5, वर्क अराउंड 10 to 15% एंड टूल अराउंड 5 to 10%, वेरी लेस हीट कैरिड आउट बाय द टूल, दैट इज व्हाई वी आर निगलेक्टिंग इट। चलो बताओ इसका क्या होगा आंसर? यूजिंग द टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन विद द एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू 0.5, इफ द कटिंग स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 50%, द रेशियो ऑफ न्यू टूल लाइफ टू द ओरिजिनल टूल लाइफ विल बी। चलो भाई जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन को। सो v1, ओके v1 इज समथिंग, v2 इज हाउ मच? 50%। क्या किया है भाई? उसको रिड्यूस किया है, सो इट विल बी से हाफ ऑफ से v1, से द फॉर द फर्स्ट कंडीशन टूल लाइफ इज t1, सेकंड कंडीशन टूल लाइफ इज t2। ओके सो दे आर आस्किंग व्हाट इज t2 बाय t1 रेशियो, दे आर आस्किंग द t2 बाय t1 रेशियो। कम ऑन टेल मी द आंसर। यू नो टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, v1 t1 टू द पावर n इज इक्वल टू v2 t2 टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो v1 t1 टू द पावर n इज इक्वल टू v2 इज हाउ मच? हाफ ऑफ v1 गिवन t2 टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, से फॉरगेट इट। सो v1 v1 गेट कैंसिल आउट, व्हाट इज देयर? आई विल राइट t2 डिवाइडेड बाय t1 टू द पावर n इज इक्वल टू 2, t2 डिवाइडेड बाय t1 टू द पावर n इज हाउ मच? 0.5, दैट इज नथिंग बट द हाफ इज इक्वल टू 2। सो t2 बाय t1 विल बी हाउ मच? देयरफॉर t2 बाय t1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर दिस 2, सो t2 बाय t1 इज इक्वल टू व्हाट? 2 स्क्वायर, इट इज 4। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। यस पल्लव, सुप्रियंका, वेरी वेलकम सुप्रियंका, पल्लव, कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, इन्फॉर्म टू योर फ्रेंड्स दैट दिस सेशन हैज स्टार्टेड, सेशन हैज बीन स्टार्टेड फॉर दिस HPCL HAL मेटल कटिंग एंड मशीनिंग, राइट? सो व्हाट इज द आंसर? यस दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द ओनली सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द हीट जनरेशन इन द मेटल कटिंग, मैक्सिमम हीट इज कैरीड आउट बाय चीप, दैट इज यू नो वेरी वेल। चलो भाई जल्दी से लाइक द सेशन, शेयर द सेशन राइट अमंग योर फ्रेंड्स एंड डू फॉलो मी ऑन द ग्रेट अप ऐप। सो यस, सो हाउ मच दिस रेशियो? द रेशियो ऑफ न्यू टूल लाइफ, दैट इज t2 इज द न्यू टूल लाइफ टू द ओरिजिनल t1 इज हाउ मच? ये आंसर कितना आ रहा है भाई साहब? 4 आ रहा है। ये कितना होगा? t2 विल बी 4 टाइम्स ऑफ t1, दैट इज करेक्ट, 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूल लाइफ, यस धनुष वेरी गुड, द टूल लाइफ इन केस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज द टाइम। चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बताओ क्या है इसका आंसर इसका? द टूल लाइफ इन केस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज द टाइम।
ओके, इन केस ऑफ द नॉर्मल टूल्स वी नो द टूल लाइफ इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव रीग्राइंड्स। हमको पता है कि भाई नॉर्मल जब टूल हम बात करते हैं उसके लिए टूल लाइफ क्या होती है। ओके, जनरली द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव रीग्राइंड्स ये रहती है टूल लाइफ, बट ग्राइंडिंग केस में थोड़ा अलग है, रीग्राइंड नहीं करते वहां पे। हम क्या करते हैं, वेन एवर द ग्राइंडिंग विल गेट ग्लेज्ड आउट, ओके, सो वहां पे हम उसका क्या रीग्राइंडिंग नहीं करते वहां पे सुप्रिया, हम उसको क्या करते हैं, हमारे पास ड्रेसर रहता है, जनरली स्टार डायमंड ड्रेसर रहता है, जिससे हम क्या करते हैं न्यू ग्रेन्स को क्या करते हैं फिर से रिप्रोड्यूस करते हैं व्हील के सरफेस के ऊपर। यस सर, नो, यस, तो उसे क्या बोलते हैं, ये उसे बोलते हैं ड्रेसिंग ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, याद रखना, ग्राइंडिंग व्हील हमेशा जब वो ग्लेज होता है उसके जो ग्रेन्स डिसलॉक्ड होते हैं कटिंग एक्शन कम करते हैं, तब हम नए ग्रेन्स को पैदा करते हैं। कैसे, बाय हैविंग द ड्रेसिंग ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। ओके, सो सी, यस पल्लव, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, सो सी हियर, सी इज द करेक्ट आंसर। सो धनुष, धनुष, रेमो, रितिक, प्लीज अंडरस्टैंड, सुप्रियंका, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर यू पुट इन द चैट बॉक्स। सो क्या होता है बेटा ड्रिलिंग ग्राइंडिंग व्हील के लिए, यस थिरुमलाई, पल्लव इज एब्सोल्युटली करेक्ट, थिरुमला इज करेक्ट, उसे कहते हैं व्हील ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं उसको, ड्रेसिंग ऑपरेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, डोंट वरी, डोंट वरी, चलो पता चल गया आपको, दैट इज गुड थिंग, दैट इज गुड थिंग। चलो नेक्स्ट चीज बताओ इसका आंसर, टेल मी, डिसकंटिन्यूअस चिप ड्यूरिंग द मशीनिंग फॉर्म्स व्हेन। सो वेरी नाइस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ चिप्स, यू नो टाइप ऑफ चिप्स, there are discontinuous chip, there are continuous chips are having again two categories, continuous chip with the built up edge and continuous chip without built up edge, absolutely correct. Now tell me, yes, very important parameter or very basic things for to get this continuous chip, that is the material. आपको पता है ductile material जब होता है तब हमको continuous chip मिलती है, और यहाँ पे पूछा है डिसकंटिन्यूस शिप। डिसकंटिन्यूस शिप के लिए हमको पता है बेटा कि भाई हमको क्या चाहिए, ब्रिटल मटेरियल चाहिए, सबसे बड़ी बात है। सो आंसर होगा सी या डी में से एक, यस सी या डी में से एक होगा, अरे भाई सी या डी में से, यस यस, ए या सी में से, आई होप, यस, हियर इज ब्रिटल एंड हियर इज ब्रिटल, ए या सी में से, यस करेक्ट, ए या सी में से एक होगा। तो बताओ क्या होगा, जब भी लो, देखो लो कटिंग स्पीड, लो कटिंग स्पीड जब भी होता है तब जो चिप बनती है, सो चिप का कर्लिंग, चिप को कर्ल होने के लिए क्या मिलता है, टाइम मिलता है। याद रखना, जब भी हम कटिंग स्पीड कम रखते हैं, मिनिमम कटिंग स्पीड से हम मशीनिंग करते हैं, स्लो स्पीड से हम मशीनिंग करते हैं, तब ये जो चिप निकल के आ रही है ऑन द रेक फेस ऑफ द टूल जो फ्लो हो रही है, राइट, इसको कर्लिंग होने के लिए टाइम ज्यादा मिलता है, मतलब मिनिमम रेडियस में क्या हो सकती है, वो कर्ल हो सकती है। जब चिप कर्व ज्यादा होगी तब चिप के अंदर जो चिप, तो देखो चिप तो कंटिन्यूस मटेरियल है नहीं, चिप क्या है, चिप के ऊपर बहुत सारे क्रैक्स है, वॉइड्स है, राइट, सो ये बिकॉज ऑफ दिस कर्लिंग, जब चिप कर्ल होगी मिनिमम रेडियस पे बेंड होगी तब अंदर जो क्रैक्स है, अंदर जो वॉइड्स है चिप के अंदर, वो क्या होंगे, बड़े होंगे, एनलार्ज होंगे, और उसके वजह से और फिर चिप क्या होगी, डिसकंटिन्यूस हो जाएगी और टूट जाएगी, राइट। सो मतलब क्या है, वर्क पीस ब्रिटल होना या कटिंग स्पीड का कम होना, ये बहुत फेवर करता है किसके लिए, डिसकंटिन्यूस चिप पैदा होने के लिए, राइट। सो बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर क्या होगा, सी, सी इसका सही आंसर होगा, सी। देखो ब्रिटल मटेरियल तो हो ही, या फिर स्लो स्पीड से आप मशीनिंग कर रहे हो, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट डियर स्टूडेंट्स। चलो भाई जल्दी से आ जाओ, धनुष, पल्लव, पल्लव क्या होगा, पल्लव आंसर होगा तुम्हारा सी, धनुष ने बिल्कुल सही जवाब दिया, धनुष वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज गिवन। देखो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन दिया है ग्राइंडिंग व्हील का, ओके, ए 46, ओके, एम 6, वी 21, ओके, आपको पता है एवरेज ग्राइंडिंग व्हील कैसे हम डेजिग्नेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसका सिग्नेचर। सो पहला क्या होता है, एब्रेसिव, सॉरी, यस, एब्रेसिव पहले होता है, बाद में क्या होती है, ग्रिड साइज, बाद में आती है ग्रेड, बाद में आता है स्ट्रक्चर, ओके, और लास्ट में आता है बॉन्ड, यस सर, नो।
सो देखो बताओ क्या दिया इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया है। सो अल्यूमिनियम इट मींस अ व्हील ऑफ, उन्होंने बोला है व्हील अल्यूमिनियम ऑक्साइड और उसका मेश साइज या ग्रिड साइज 6 है। अल्यूमिनियम ऑक्साइड के बाद दिया है बोरॉन कार्बाइड, ओके जो एब्रेसिव है बोरॉन कार्बाइड है नहीं, उसके लिए तो हम क्या सी लिखते हैं ना, अल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए ए लिखते हैं, यस और नो? सो डेफिनेटली आंसर होगा ए या फिर सी में से। और आपको पता है ये जो ग्रेन साइज, ये जो 46 है ये क्या है, इट इज अ ग्रिड साइज, इट इज अ ग्रिड साइज और इट इज अ ग्रेन साइज, यस। और इसकी मेश साइज, ये क्या है, मेश साइज है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, ओके यम क्या है इसकी ग्रेड है, 6 क्या है इसका स्ट्रक्चर है, वी क्या है उसका विट्रीफाइड बॉन्ड दिया है, और जो 21 है ये 21 क्या है रे, दिस इज द मैन्युफैक्चरर सीक्रेट कोड, जिसके लिए हमारे हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ये 21 जो है, जो मैन्युफैक्चरर है इस व्हील का, उसने अपना कुछ सीक्रेट चीजें उसके उसके रेफरेंस के लिए वो नंबर है, राइट, वो हमारे लिए नहीं है। सो वो मैन्युफैक्चरर सीक्रेट कोड है, ओके। सो हमारा कहां तक है सोचना, ए 46 एम 6 वी तक, उसमें से ए मतलब एब्रेसिव है तुम्हारा अल्यूमिनियम ऑक्साइड, और तुम्हारा मेश साइज क्या है, ग्रिड साइज क्या है उसकी 46। सो बताओ क्या आएगा आंसर, रिमो, यस, सी चेन्नई, इसका क्या आंसर आएगा, सी चेन्नई इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा, आएगा, आ गया, आ गया। चलो चलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स है वहां पे, सेशंस को लाइक करना, शेयर करना और मैकेनिकल मार्वल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, इसका आंसर बता दो जल्दी से, बहुत सही क्वेश्चन, ओके। ये इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, इसरो में आया हुआ है। चलो बताओ इसका स्पेसिफिक मेटल कटिंग एनर्जी कैसे एक्सप्रेस करते हैं, चलो जल्दी से बताओ स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी। सो यू सी इज नथिंग बट वर्क डन डिवाइडेड बाय मटेरियल रिमूवल रेट, ओके। वर्क डन कैसे लिखते हैं, एफ सी डिवाइडेड एफ सी इंटू वी सी डिवाइडेड बाय बी टी वन इंटू वी सी, वीसी वीसी गया, सो क्या आया, एफ सी डिवाइडेड बाय बी टी वन। और एक चीज आपको पता है, यूनिवर्सल मशीनेबिलिटी इंडेक्स, मतलब ये जो रेशियो है कटिंग फोर्स का विद शियर फोर्स, आपको पता है क्या होता है, कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ फाइ प्लस बीटा माइनस अल्फा, मतलब क्या आएगा, एफ सी अगर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, आप इस इक्वेशन में एफ सी डिवाइडेड बाय बी टी वन में अगर आप कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा भी लिखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है। क्लास टाइम वैसे तो 1 बजे का होता है बेटा, लेकिन आज थोड़ा हमने शिफ्ट किया था 2:30 को, ओके। ये थर्ड सेशन है सीरीज लक्ष्य का, ये लक्ष्य सीरीज है एचपीसीएल और एचएएल के लिए, कि जो हमने चालू किया था 2 दिन पहले, मतलब यस, दिस इज अवर थर्ड सेशन, ओके। यस्टरडे वॉज हॉलीडे फॉर दिस होली एंड टूडे वी हैव कंटिन्यूड इट। सो बताओ, जस्ट अंडरस्टैंड, यू जस्ट सी दिस ओनली दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। सो कहां पे, बिकॉज सी यू सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ सी एंड एफ सी इज प्रोपोर्शनल टू दिस पर्टिकुलर वी थिंग, नो नीड टू इवन गो फॉर सॉल्विंग, बट नो डाउट आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस, टेल मी द करेक्ट आंसर। ये एफ सी क्या है, कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा इन टू एफ एस। आपको पता है बेटा एफ एस क्या होता है, एफ एस होता है बी टी वन डिवाइडेड बाय साइन फाइव, ओके। ये क्या है, मल्टीप्लाई बाय शियर स्ट्रेस करना पड़ता है, फोर्स क्या होता है, शियर एरिया, ये तुम्हारा है शियर एरिया, ये तुम्हारा शियर स्ट्रेस, तुम्हारा मिल गया शियर फोर्स। अगर मैं यहाँ पे एफ एस की वैल्यू डाल देता हूं तो बताओ क्या आएगा, एफ सी इज इक्वल टू बी टी वन टाउ कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा। अगर बेटा मैं ये एफ सी की वैल्यू अपने यूसी के इसमें डाल दू, यूसी उन्होंने जो पूछा है स्पेसिफिक मेटल कटिंग एनर्जी के बारे में, तो यूसी में आसानी से लिख सकता हूं एफ सी, दिस इज एफ सी क्या है आप मेरा, बी टी वन टाउ कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय ये बी टी वन लिखा है यहाँ पे, बी टी वन देखना, बी टी वन, बी टी वन गया, बचा क्या अब आपके हाथ पे, देखो टाउ बचा, यस टाउ यहाँ पे है, कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और ये साइन फाइव यहाँ पे रहना रखना भूल गया हूं, ये लिख दिया मैंने, ओके।
सो बताओ मैंने सब कुछ लिख दिया, बी टी वन डिवाइडेड बाय साइन फाइव, ये तुम्हारा शियर एरिया इंटू शियर स्ट्रेस लिख दिया, और चीजें अब बहुत ही क्लियर है। मतलब यूसी अगर आप लिखना चाहते हो तो बिल्कुल सही आएगा तुम्हारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में बिल्कुल फिट बैठेगा, देखो बिल्कुल सही है। खाली आपको इतना भी पता है कि एफ सी डिवाइडेड बाई एफ एस ये होता है कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा। देर इज ओनली वन ऑप्शन वेयर कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा इज रिटर्न देर, एक ही। वेरी गुड। सो देखना देखना अच्छे से देखना, ऑप्शन ए ही सही होगा। ओके लकी, सुप्रियंका, भौमिक, पल्लव, वेरी गुड डियर, वेरी गुड। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड रिमो, रे वेरी वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन का। बहुत सही जा रहे हैं मेटल कटिंग में, हम बहुत ही सही जा रहे हैं। चलो भाई सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और फिलहाल चलो अभी इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दो। पावर कंजम्पशन इन द मेटल कटिंग, यस रिमो, द पावर कंजम्पशन इन द मेटल कटिंग बताओ मेनली किसकी वजह से होता है रे। अगर मैं पावर लिखता तो क्या होता है, एफ सी वी सी प्लस दिस फीड फोर्स इनटू टेबल स्पीड, ओके दैट इज एफ टी इनटू एफ थ्री, दैट इज अ फीड वेलोसिटी, ओके। बट ये अगर चीज मैं करूं, क्योंकि एफ थ्री आपको पता है एफ थ्री होता है एफ वन इंटू जेड इंटू एन, या फिर इसको बोलता हूं एफ टू इंटू एन। ये जो एफ टू है फीड पर एमएम पर रिवोल्यूशन में बहुत कम होती है, मतलब ये अगर मैं उसको पावर है तो डेफिनेटली मेरे को मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय न्यूटन, बराबर ना। सो मीटर में लेके करूंगा तो, और ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जी, मतलब नेग्लिजिबल हो जाएगा, बराबर। मतलब अगर पावर अगर मैं चाहता हूं मेटल कटिंग ऑपरेशन में, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कौन सा फोर्स लेना पड़ेगा, ये तुम्हारा मेन और मेजर कटिंग फोर्स, या फिर जिसे बोलते हैं मेन टेंजेंशियल फोर्स, ओके। जो तुम्हारा देखो ये जो टूल है, ये जो वर्कपीस है, ओके थोड़ा अच्छे से निकाल देता हूं, ओके चलो। ये जो घूम रहा है, ये जो टिप ऑफ द टूल पे ऊपर ये टेंजेंशियल जो फोर्स जा रहा है ना, ये तुम्हारा है एफ सी। और ये जो रेक फेस ऑफ द साइड कटिंग टूल, साइड कटिंग एज ऑफ द टूल के ऊपर जो परपेंडिकुलर लग रहा है तुम्हारा है एफ टी, ओके। सो देखो ये जो है एफ सी दैट इज मेन टेंजेंशियल फोर्स और टेंजेंशियल कंपोनेंट एट द फोर्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, विच विल गिव यू दी वैल्यू और दी कंजम्पशन ऑफ पावर, राइट। सो नो नॉर्मल थिरुमलाई, नो नॉर्मल कंपोनेंट, नो फ्रिक्शनल, नो लॉन्जिट्यूड, इट इज अ टेंजेंशियल, हियर सी हियर दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विच इज अवर मेजर कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट इन द मेटल कटिंग डियर स्टूडेंट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सुप्रियंका, एब्सोल्युटली सही कहा सुप्रियंका ने, ए ए इज द करेक्ट आंसर, मेन टेंजेंशियल फोर्स, मेजर कटिंग फोर्स, ओके, विच इज एफ सी एफ सी एफ सी, राइट। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज थ्रस्ट फोर्स वी आर नॉट टेकिंग, इट इज दिस प्रोडक्ट एक्चुअली वेरी वेरी लेस, दैट इज द रीजन वाई वी आर नॉट टेकिंग दिस इंटू कंसिडरेशन, डायरेक्टली वी कैन राइट पावर इज इक्वल टू एफ सी इंटू वी सी। इज दैट फाइन, इज दैट फाइन, समझ में आया सबको। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलो चलो बताओ जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत 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 इजी क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट जस्ट आफ्टर दिस सेशन ग्रेड अप ऐप पे 4:30 बजे, ओके, मेट्रोलॉजी के टॉलरेंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं, 4:30 बजे प्रैक्टिस सेशन ही है, कहां पे, ग्रेड अप ऐप पे 4:30 बजे। चलो इसका आंसर दो, इसका आंसर दे दो मुझे, बाइंडिंग मटेरियल फॉर द सीमेंटेड कार्बाइड और टंगस्टन कार्बाइड टूल, डियर स्टूडेंट्स। चलो चलो वेरी नाइस नंबर बढ़ाओ, वहां पे नंबर बढ़ा दो जल्दी से, यस यस एब्सोल्युटली लेकर, रुचिका, रुचिका आ गई, रुचिका वेलकम, रुचिका, रीमो ने भी सही आंसर दिया, रुचिका ने दिया, सुप्रियंका ने दिया, देखो वेरी नाइस बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। देखो कोबाल्ट जो है इट इज मेड अप ऑफ द पाउडर मेटलर्जी बेटा, ये जो टूल बनता है पाउडर मेटलर्जी से बनता है, तो ये जो कार्बाइड पाउडर है उसके पार्टिकल्स को देखो देखो रिमो रिमो के लिए मैं सबके लिए एक बार ये बता देता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने फील्ड ली 0.1 mm पर रिवॉल्यूशन,
क्योंकि फोर फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू कटिंग फोर्स इंटू कटिंग वेलोसिटी प्लस थ्रस्ट फोर्स इंटू थ्रस्ट दिस फील्ड वेलोसिटी और दिस टेबल स्पीड एफ थ्री। एफ थ्री क्या है, इट इज इन एमएम पर मिनट, इट इज किस में होता है, ये एमएम पर मिनट में होता है। फॉर एग्जाम्पल आरपीएम में ले लेता हूं, 500 आरपीएम से तुम्हारा जॉब घूम रहा है बराबर, मतलब एफ थ्री कितना हुआ बेटा, यहां पे बताओ, एफ थ्री होता है एफ टू इंटू एन। कैसा होता है एफ थ्री, एफ टू इंटू, एफ टू कितना है 0.1, इंटू एन कितना है 500, सो एफ थ्री कितना हुआ 50 मिलीमीटर पर मिनट। अब पावर के लिए क्या चाहिए, ये न्यूटन में, और ये एफ थ्री किस में चाहिए, मीटर पर सेकेंड में। लेकिन ये 50 अगर मैं लिखता हूं n, दैट इज एनी वैल्यू, सपोज n इज द फोर्स न्यूटन, एनी वैल्यू इंटू दिस 50 mm, mm वी हैव टू कन्वर्ट इंटू मीटर पर सेकेंड, दैट इज इंटू 10 to the power -3, मिलीमीटर को कन्वर्ट किया तो मीटर हो गया, डिवाइडेड बाय 60, बताओ कितना कम हुआ। अगेन ये आई कैन राइट हियर से ये गया, सो इंटू एनीथिंग इंटू 10 to the power -3, प्लीज अंडरस्टैंड, मतलब ये और एक ये 0 point हो गया, बिकॉज 5 divided by 6 समथिंग 0 point something इंटू 10 to the power -3। सपोज जनरली आपको पता है थ्रस्ट फोर्स जो होता है मेटल कटिंग में, ये हाफ ऑफ द मेन टेंजेंशियल फोर्स होता है। ओके सपोज ये मैं बोल रहा हूँ 1000 newton है, तो सपोज ये मैं ले लू एफ टी तुम्हारा 600 newton का होगा, बिकॉज एक्सेप्ट ग्राइंडिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग में थ्रस्ट फोर्स ज्यादा होता है, अराउंड 2 to 2.5 times होता है तुम्हारे मेजर कटिंग फोर्स के हिसाब से, उसके हिसाब से 2.5 गुना होता है, बट नॉर्मल कटिंग ऑपरेशन में तुम्हारा कटिंग फोर्स ही ज्यादा होता है। ओके सो उसकी वजह से अगर देखो, अगर मैं इसके लिए इंटू 10 to the power -3 कर दू, ये क्या इसके कंपेयर में ये कोई मैंने लिया तो भी कोई मेरा फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके और मैंने उसको निगलेक्ट भी किया इस वैल्यू को 0 point something कंपेयर टू दिस ह्यूज प्रोडक्ट एफ सी इंटू वी सी, इफ आई एड 0 point something नो एनी इशू, नो एनी बिग डील, प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज द रीजन वाई वी आर एक्चुअली एलिमिनेटिंग, मतलब जरूरत नहीं है हमको ये हर बार एफ टी इंटू ये एफ थ्री का प्रोडक्ट, थ्रस्ट फोर्स और ये फील्ड वेलोसिटी का प्रोडक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया उसको निगलेक्ट किया। इसीलिए देखो कटिंग की पावर जनरली हम एफ सी इंटू वी सी लिखते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है बहुत बहुत कम है, बहुत 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 कम आती, समझ गए रिमो बेटा, समझ गए कि नहीं। इसीलिए यहां पे देखो मैंने वो क्या कर दिया था, थ्रस्ट फोर्स को निगलेक्ट कर दिया था, तुमने लिया तो भी कोई बहुत बड़ा फर्क उसमें पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ये जो प्रोडक्ट है ये तुम्हारे थ्रस्ट फोर्स का और तुम्हारे फीड वेलोसिटी का बहुत 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 कम है। आई होप इट इज क्लियर। जाफर अहमद वेरी गुड आफ्टरनून डियर। संतु नायक वेरी गुड वेरी गुड। सो चलो भाई आगे बढ़ते, इज दैट फाइन सबके लिए, भाई ये चीज सबके लिए बताई मैंने, चलो आ जाओ जल्दी से। चलो इसका आंसर क्या आएगा, जो बाइंडर होता है जो पाउडर पार्टिकल्स को इकट्ठा करता है और जो उनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वो होता है कोबाल्ट। ओके वो क्या है, बाइंडिंग मटेरियल। क्या है कोबाल्ट, ये बाइंडिंग मटेरियल है। ओके वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। रेक एंगल इन द ड्रेन, बहुत सही। लाइक थोड़े बढ़ा दो, लाइक बढ़ा दो वहां पे। चलो बेटा लाइक बढ़ा दो वहां पे, बहुत सारे चीज सिंक्रो नहीं हो रहे, लाइक कम जा रहे मेरे, लाइक कम हो रहे बेटा, लाइक जरा एक दो बढ़ा दो। चलो इसका आंसर भी बढ़ा दो, इसका आंसर भी बता दो। रेक एंगल जो होता है ड्रिल में वो सेंटर से, फ्रॉम सेंटर ऑफ द ड्रिल टुवर्ड्स पेरिफेरी, ये क्या होता है एक्चुअली वहां पे, बताओ क्या होता है, कोई बताएगा। वेरी नाइस वेरी नाइस। अगर आप ड्रिल की बात करते हैं, ड्रिल बीट की बात करते हैं या ट्विस्ट ड्रिल की बात करते हैं, तो आपको पता है ये जो हेलिक्स एंगल है ये सेंटर से लेके फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स द आउटवर्ड पेरिफेरी पे जाते जाते क्या एंगल होता है, हमेशा इंक्रीज होता है, अल्फा एच क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जो इन्होंने पूछा है रेक एंगल, अगर मैं रेक एंगल लिखता हूं, रेक एंगल ऑफ द ड्रिल इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ हाफ इंटू टैन ऑफ अल्फा एच डिवाइडेड बाय साइन बीटा। बीटा होता है तुम्हारा हाफ द पॉइंट एंगल, ये तुम्हारा 2 beta point angle है।
अल्फा एच तुम्हारा क्या है, हेलिक्स एंगल। मतलब अगर आप बात करोगे अल्फा जो है तुम्हारे हेलिक्स एंगल के प्रोपोर्शन में बढ़ता है, मतलब वो भी कैसे बढ़ेगा, सेंटर में कम रहता है और पेरिफेरी पे देखो क्या होता है, ये अगर यहां पे ये है, यहां पे देखो बड़ा है, यहां पे फिर से बड़ा है, मतलब टूवर्ड्स पेरिफेरी पे आते आते बढ़ता है। इसका रीजन ये है, हेलिक्स एंगल बीच में कम होता है, सेंटर पे क्यों कम होता है, टू गिव इस जो ट्विस्ट ड्रिल जो है उसको अच्छी स्ट्रेंथ देने के लिए वो बीच में कम रहता है, और वो इंक्रीज होता है पेरी पेरी ते जाते जाते, इंक्रीज इंक्रीज होते होते बड़ा बड़ा होते चले जाता है टूवर्ड्स पेरीफेरी। उसका रीजन होता है कि जो चिप्स पैदा हुए है ड्रिलिंग ऑपरेशन में उसके लिए वो अच्छे से एक वे बना के दे, इजी रिमूवल चिप का हो वहां पे, ओके चिप अच्छे से फ्लो हो जाए बराबर थ्रू द ड्रिल, क्योंकि उसके लिए कोई दूसरा पोर्शन आने क्या दूसरा वे है नहीं चिप को बाहर निकलने के लिए बराबर, तो वो क्या है अच्छे से चिप फ्लो हो जाए बाहर निकल जाए, इसके लिए हम एंगल जो है टूवर्ड्स पेरिफेरी आते आते क्या होता है बढ़ता है, ओके दैट इज द रीजन व्हाई इट इज। मतलब आप इसका आंसर अगर बताना चाहोगे तो सेंटर से लेके पेरिफेरी वो इंक्रीज होता है, कभी बीच में घटता या बढ़ता नहीं, वो टूवर्ड्स पेरिफेरी आते आते क्या होता है इंक्रीज ही होता है। सो इसका आंसर आएगा बिल्कुल सही बेटा, सी इसका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। देखो पल्लव ने आंसर दिया है, सुप्रियंका ने दिया है, रुचिका ने दिया, अरे भैया बाकी के कहाँ है मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड कहाँ है बाकी के, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग देख रहे हैं बेटा आंसर, शो सम मूवमेंट इन द चैट बॉक्स, शो सम मूवमेंट इन द चैट बॉक्स, पार्टिसिपेट द सेशन, मजा आएगा। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू एट 4:30 ऑन द ग्रेड अप ऐप मेट्रोलॉजी के रिलेटेड टॉलरेंसेस के बारे में प्रैक्टिस सेशन है 8:30 बजे ग्रेड अप ऐप पे, सो डू ज्वाइन दिस सेशन देयर, राइट, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई समझ में आया होगा शायद, ये भी क्वेश्चन बढ़िया था, चलो इसका आंसर बता दो जल्दी से, बहुत ही दिखने में बड़ा है ये क्वेश्चन, दिखने में बड़ा है ये क्वेश्चन लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं, ओके दिखने में बड़ा है ये क्वेश्चन उसमें है ही नहीं कुछ, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब ही क्या होता है तुम्हारा, फ्रिक्शन एंगल, टैन ऑफ फ्रिक्शन एंगल बीटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आपको फॉर्मूला मर्चेंट एनालिसिस से पता होगा, ओके गेट एग्जाम के बाद इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको ये फॉर्मूला तो पता है, एफ सी टैन अल्फा प्लस एफ टी भाग्या एफ सी माइनस एफ टी टैन अल्फा। देखो यहां पे आपका काम इतना आसान कर दिया है कि ये बोल रहे कि भाई रेक एंगल इस ऑपरेशन में जीरो है, अगर रेक एंगल जीरो होगा तो मतलब ये तो टिक गई टर्म, मतलब तुम्हारा ये जो रेशियो चले जाएगा म्यू का थ्रस्ट फोर्स डिवाइडेड बाय कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स कितना दिया है बहुत ही आसान 800 भाग्या तुम्हारा कटिंग फोर्स कितना है 1000, मतलब 800 भाग्या 1000 कितना हो गया 0.8, 0.8, एक्सेलेंट डियर स्टूडेंट एक्सेलेंट, सी होगा नहीं है अमित, सी ही आंसर है इसका, वेरी नाइस वेरी 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 नाइस वेरी नाइस, सी इसका आंसर है 0.8, कोएफिशिएंट ऑफ इसका है 0.8। किसी ने अगर पूछा कि फ्रिक्शन एंगल कितना होगा तो बेटा इसका फ्रिक्शन होगा बीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ जो भी है पॉइंट एट, ये तुम्हारा होगा फ्रिक्शन एंगल। धनुष, अक्षित राठौड़, वेरी नाइस, रुचिका यादव, वेरी 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 नाइस, एक्सलेंट क्राउड। सो इस सेशन को शेयर करना है आपके फ्रेंड लोगों के साथ, ओके लाइक भी करना है, इसको लाइक करना नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना, राइट, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस भौमिक, भौमिक पटेल, सी छे बेटा सी छे। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिल्ट अप एज इज फॉर्म्ड वाइल मशीनिंग ऑफ, बताओ अ बिल्ट अप एज, चलो बिल्ट अप एज कैसे पैदा होती है आपको पता है, जब भी चिप आपकी कंटिन्यूअस हो तब, यस सर नो, देखो डिसकंटिन्यूअस चिप में ये पैदा होने के सवाल ही नहीं होती बिल्ट अप एज, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस चिप में जैसे ही चिप बनती है वो तुरंत मेटल कटिंग जोन से बाहर फेंकी जाती है, मतलब उस मेन चिप के साथ जो जो माइक्रो चिप से चिप के फ्रैगमेंट से वो भी क्या हो जाते हैं तुरंत मेटल कटिंग जोन से बाहर फेंके जाते,
मतलब उनका कोई उन माइक्रोचिप्स का, उस चिप्स फ्रैगमेंट्स का रेक फेस के ऊपर अडेर होने का, वेल्ड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे हाँ या ना? तो इसकी वजह से वहां पे बिल्टअप एज बनने का कोई चांस ही नहीं है डक्टाइल मटेरियल के केस में, मतलब देखो सॉरी ब्रिटल मटेरियल के केस में। मतलब देखो बिल्टअप एज तो पॉसिबल ही नहीं है ब्रिटल मटेरियल के साथ, वो पॉसिबल है डक्टाइल। अब देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी डक्टाइल मटेरियल के साथ अगर मैं लो स्पीड से अगर मशीनिंग करता हूं, तो देखो माइक्रो माइक्रो चिप्स जो स्मॉल चिप्स है, चिप्स के फ्रैगमेंट्स है, उनको मेटल कटिंग जोन के अंदर उस रेक टूल के रेक फेस के ऊपर अडेर होने का, वेल्ड होने का टाइम मिलता है। और डेफिनेटली अगर टाइम मिलेगा तो अच्छे तरीके से वेल्ड हो जाएंगे और बिल्टअप एज क्रिएट हो जाए। अगर मैं हाई स्पीड से जाऊंगा तो वो तुरंत मेटल कटिंग जोन से माइक्रोचिप्स बाहर फेंकी चली जाएगी, भले मटेरियल डक्टाइल हो तो भी बिल्टअप एज बनेगी नहीं। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? बी बॉम्बे बिल्कुल सही आंसर होगा कि डक्टाइल मटेरियल तो है ही, उसके साथ साथ आप अगर लो मिनिमम कटिंग स्पीड यूज कर रहे हो तो ये बिल्टअप एज जरूर बन के वहां पे रहेगी। अक्षित राठौड़ ने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। रिमो तो है ही, धनुष है, रुचिका है, सुप्रियंका वेरी क्लेवर गर्ल, अमित यस यस दैट इज एक्सलेंट डियर स्टूडेंट, दैट इज वेरी वेरी एक्सलेंट। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो द रिलेशनशिप ऑफ द शियर एंगल दिया है किसके साथ? रेक एंगल और फ्रिक्शन एंगल के साथ। और पूछा है ये कि ये थेरी कौन सी है, ये थेरी कौन सी है, जरा बताओ मुझे ये थेरी कौन सी है। देखो तीन थेरी बहुत फेमस थेरी है तीन मेटल कटिंग की। एक है मर्चेंट की थेरी जिसे अर्नेस्ट एंड मर्चेंट ने दिया था, उसके बाद जो आई थी थेरी ली एंड शेफर की, ई सी ली एंड बी डब्ल्यू शेफर ने दी थी, ओके। और उसके बाद में एक स्टैबलर ने भी एक थेरी दी थी, ओके। सो मर्चेंट थेरी के हिसाब से उसका कहना था इन तीनों एंगल में रिलेशन होता है 2 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ली एंड शेफर ने बहुत ही अलग तरीका अपनाया था उस मेटल कटिंग के एनालिसिस के लिए कि जिन्होंने स्लिप लाइन थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी में आता है, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी के बेस के ऊपर उन्होंने मेटल कटिंग थ्योरी को डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी, और उनको जो रिलेशन मिला था वो क्या मिला था, 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4, दैट इज 45। मतलब फाइव क्या हो गया, पाई बाय 4 माइनस बीटा प्लस अल्फा, बताओ क्या आएगा आंसर। और स्टैबलर ने कहा था 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये रहा स्टैबलर का इक्वेशन, ये रहा ली एंड शेफर का, और ये रहा आपके मर्चेंट दादा का। सो बताओ यहां पे क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताओ। चलो जल्दी से बताओ क्या आएगा, डी डी ये सुप्रियंका, धनुष, ऋत्वी राठौड़, रुचिका, व्हाट इज द आंसर, रुचिका और सुचिका, टेल मी द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, ये किसकी थ्योरी है, ली एंड शेफर की। यस अमित, वेरी गुड वेरी गुड, ये ली एंड शेफर का इक्वेशन है, ओके वेरी नाइस। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये सॉल्व करो जल्दी से। चलो भाई जल्दी से सॉल्व करो। अ टाइम रिक्वायर्ड टू ड्रिल द होल थ्रू 25 mm थिक प्लेट विद द ड्रिल रोटेटिंग एट 600 आरपीएम एंड द मूविंग एट द फीड रेट ऑफ 0.25 mm पर रिवॉल्यूशन। सो बताओ टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है, लेंथ ऑफ टूल ट्रेवल डिवाइडेड बाई एफ टू इंटू एन। यस रुचिका करेक्ट। सो लेंथ कितनी है 25 mm की, फीड कितनी है 0.25 दी है, मल्टीप्लाई बाय आरपीएम कितने हैं 600। तो बताओ क्या आएगा आंसर इसका, ये आएगा आंसर तुम्हारा एमएम डिवाइडेड बाय एमएम पर रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय रिवॉल्यूशन पर मिनट। सो आंसर तुम्हारा आएगा मिनट में, उन्होंने पूछा है सेकेंड्स में। बताओ क्या आएगा आंसर, 1/6 मतलब कितने सेकेंड्स, 0.167 मिनट्स, ओके। मतलब एक्चुअली इसका सेकंड कितना,
देखो 0.167 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो बेटा 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इससे अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 सेकंड के आसपास आंसर होना चाहिए। कितना? 10 सेकंड। यस 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 यस। ए अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स, ए अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। एक्सलेंट एक्सलेंट भाई, सॉल्व हो रहे कि नहीं क्वेश्चन? सॉल्व हो रहे कि नहीं? हो रहा है कि नहीं प्रैक्टिस? देखो अपने और एक सेशन बचा हुआ है, अपना और एक सेशन है, कल भी अपना सेशन होगा। ओके कल भी अपना सेशन होगा, प्लीज डू ज्वाइन द सेशन। चलो भाई आंसर क्या आएगा इसका? ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ले लो। चलो मशीन एबिलिटी टेंस टू डिक्रीज, वेरी नाइस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। मशीन एबिलिटी टेंस टू डिक्रीज, कैसे मशीन एबिलिटी डिक्रीज होती है? So, देखो अगर कटिंग फोर्सेस ऑपरेशन में बढ़ते हैं, पावर कंजम्पशन बढ़ता है, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी मटेरियल की, आपके मटेरियल कटिंग की बढ़ती है। ओके शियर एंगल जब घटता है, देखो मशीन एबिलिटी कब मैं बोल रहा हूँ डिक्रीज होती है, तो शियर एंगल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। MRR कम होता है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन द टूल एंड द चिप ड्यूरिंग हाई स्पीड मशीनिंग इज बिकम वन ऑफ द रीजन फ्रॉम बेकिंग ऑफ चिप इन डक्टाइल मटेरियल। हाँ हाँ चिप इज मूविंग फास्टर विद द रिलेटिव टू द टूल, यस वन ऑफ द रीजन, यस। सो बताओ यहाँ पे मशीनेबिलिटी टेंड टू डिक्रीज, सो MRR इंक्रीज हो रहा है, मतलब मशीनेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन द शेयर एंगल मीन्स वॉट? मशीनेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। डिक्रीजिंग द स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी मीन्स वॉट? मशीनेबिलिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बट वेन देर इज अ डिटोरिएशन ऑफ द सर्फेस फिनिश, वेन यूर सर्फेस फिनिश एक्चुअली डिटोरिएटिंग, इट इज नॉट गेटिंग गुड, डेफिनेटली यू कैन से देर द मशीनेबिलिटी इज डिक्रीजिंग, बिकॉज येस वेन एवर यू आर गेटिंग द पुअर सर्फेस फिनिश, वेन एवर यू आर गेटिंग द पुअर सर्फेस फिनिश ऑन टू दी वर्क सर्फेस, यू कैन से दैट मशीनेबिलिटी इज डिक्रीजिंग। मशीनेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज MRR इंक्रीज हो रहा है, अच्छी बात होती है। शियर एंगल बढ़ रहा है, अच्छी बात होती है। स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ये भी अच्छी बात होती है। बट ये सरफेस फिनिश, ओके ये जो सरफेस फिनिश है, बट सी इन द मेटल कटिंग, प्लीज ललिता ललिता CH, वॉट वी आर हैव द वेरी इंपॉर्टेंट असम्पशन इन द मेटल कटिंग थियरी ऑफ मेटल कटिंग, द स्ट्रेन हार्डनिंग ऑफ द चिप एक्चुअली इज नॉट कंसिडर, वी हैव नॉट कंसिडर दैट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द थियरीज। ओके सो चिप का सी मटेरियल स्ट्रेन हार्डन होगा तो डेफिनेटली जो मशीनेबिलिटी है डिक्रीज हो ही जाएगी। ओके जितना हार्ड मटेरियल, हार्डनेस बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डिफिकल्ट मशीनिंग के लिए होने वाला है। ओके बट मेटल कटिंग का एनालिसिस जो होता है इसके ऊपर नहीं होता, हम कोई भी हार्डनिंग अज्यूम नहीं करते। ओके टेक दिस क्वेश्चन, टेक दिस क्वेश्चन। द ऑप्टिमम कटिंग स्पीड इज वन विच शुड हैव, टेल मी द ऑप्टिमम कटिंग स्पीड इज वन विच शुड हैव, सो व्हाट इज ऑप्टिमम कटिंग स्पीड डियर स्टूडेंट्स? यू नो द रिलेशनशिप बिटवीन दिस दिस वेलॉसिटी एंड टूल लाइफ, सो इफ आई हियर टूल लाइफ एंड हियर इफ आई वेलॉसिटी, सो यू नो दैट दिस इज बाय द टेलर्स वी टू टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज द टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन वी हैव, सो टेल मी वॉट इज द करेक्ट आंसर? द ऑप्टिमम कटिंग स्पीड दैट वी आर इंटरेस्टेड इन, वेरी मच इंटरेस्टेड इन द ऑप्टिमम कटिंग स्पीड ओनली। ओके सो सी हियर, इफ यू गो फॉर मैक्सिमम टूल लाइफ यू हैव टू डिक्रीज द कटिंग वेलोसिटी, एंड इफ यू डिक्रीज द कटिंग वेलोसिटी यू कैन नॉट एबल टू गेट द रिक्वायर्ड मटेरियल रिमूवल रेट।
ओके यू कैन नॉट एबल टू गेट द प्रोडक्टिविटी विद द लो कटिंग स्पीड, दैट इज द करेक्ट रीजन. एंड इफ यू गो फॉर द हायर कटिंग, इफ यू गो फॉर द हायर कटिंग स्पीड, ओके यू कैन सी हियर वॉट टूल लाइफ यू आर गेटिंग, वेरी लेस. सो यू हैव टू जस्ट बैलेंस बिटवीन. सी ऑप्टिमम कटिंग स्पीड इज नॉट लाइक दैट यू शुड हैव ओनली द प्रोडक्टिविटी और यू शुड हैव ओनली द टूल लाइफ. सो यू हैव टू बैलेंस बिटवीन द एम आर आर एंड द टूल लाइफ. सो दैट इज द ऑप्टिमम वेलोसिटी. सो यस, थ्री ओनली, एक्सलेंट डियर स्टूडेंट्स, ओनली थ्री, दैट इज बैलेंस द मेटल रिमूवल रेट एंड द कटिंग टूल लाइफ, दैट इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, वेरी 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 गुड. Tell me, the fixtures are used in the batch production for, the fixtures are used in the batch production. You know the main purpose of provision of this or using of this friction, it is in the mass production. Yes, to minimize the setup time and all. Okay, it is going to support, clamp and locate the workpiece. Okay, so that this unnecessary times, okay, that for setup time and all get reduced and you can only get the productivity. And yes, of course, by using of these fixtures, jigs, or the layman can also able to operate that particular lines, okay, with the minimum skill. So yes, fixtures are basically used in the batch production or mass production to support, clamp and locate the, okay, workpiece or tool. Yes, that is the correct. Okay, take the next question very fast. चलो इसका आंसर बताओ. 3-2-1 मेथड ऑफ लोकेशन इन द जिग और फिक्सर वुड कलेक्टिवली रिस्ट्रिक्ट द वर्कपीस इन एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वेयर द वैल्यू ऑफ एन इज. भौमिक, रुचिका, चलो बताओ इसका आंसर. हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर रिस्ट्रिक्टेड, वी आर हैविंग 3-2-1 पिंस फॉर लोकेशन, 3-2-1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन. सो व्हेन वी आर हैविंग डियर स्टूडेंट्स दिस 3-2-1 प्रिंसिपल, okay, 3 pins here, 2 pins are here and 1 pin is here, by this we are going to restrict out of 12 degrees of freedom. Jig actually, jig not only clamp, support or locate the tool, along this one very important thing about the jig, it guide the tool. As you know that whenever, see, the jigs are basically used for the hole making principles or hole making methods, where the tool actually the long and slender one to support this tool, okay, so definitely to increase the or to enhancing this safety of this tool, the tool is also guided very nicely by using the jigs. That is the main difference in the jigs and fixture, where in the fixtures we are having the reference point for the setting of the tool from the workpiece. That is a major difference between the jig and fixture. Jig tool ko guide bhi karta hai, ओके टूल को गाइड भी करता है, ओके अलोंग विद वो टूल को लोकेट करे, होल्ड करे, क्लैम्प करे, बट वो गाइड भी करता है. ओके फिक्सर में गाइडिंग ऑफ द टूल नहीं होता, बट फिक्सर में टूल का जो पोजीशन होता है एग्जैक्टली वो परफेक्टली सेट होता है फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ द वर्कपीस. ओके वो सेटिंग पॉइंट होता है वहां पे, टूल का सेटिंग बहुत बढ़िया से होता है विद रेफरेंस टू द वर्कपीस. ये मेन में फर्क है. सो यहाँ पे देखो 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्ट होते हैं. आउट ऑफ 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर रिस्ट्रिक्टेड. बचे कितने, तीन बचते हैं. तीन में से दो जो होते हैं वो लोडिंग एंड अनलोडिंग में या फिर क्लैंपिंग से 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फिर से क्या किए जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं. और बचा हुआ वन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द टूल ऑन टू द वर्कपीस, या फिर आप बोल सकते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द टूल ऑन टू द वर्कपीस. ये बचा हुआ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. इस तरीके से टोटल 12 के 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो सकते. बट ये 3-2-1 से कितने होंगे, खाली 9 बचे हुए, 3 में से 2 क्लैंपिंग से, ओके और बचा हुआ 1 फाइनली द फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड वर्कपीस. ऐसे कुल मिला के 12. सो 3-2-1 से कितने होते हैं, 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होते हैं, याद रखना कितने, 9. ओके टेक दिस क्वेश्चन फॉर द होमवर्क. ओके एंड दिस क्वेश्चन फॉर द होमवर्क. ओ माय गॉड, 3-4 क्वेश्चन. ओके लेट अस करते हैं, ये 2 भी कर देते. चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा.
देखो ऑफसेट पूछा है, ऑफसेट जब होता है, ओके, यहां पे बीच में टेपर दिया है और टोटल लेंथ जब भी हम ऑफसेट निकालते हैं, ओके, ऑफसेट जब भी निकालते हैं तो हम टोटल लेंथ लेते हैं। कितनी लेंथ लेते हैं? टोटल लेंथ लेते हैं। सो क्या होता है, टैन ऑफ एंगल अल्फा इज इक्वल टू दिस ऑफसेट डिवाइडेड बाय द होल लेंथ, एंटायर लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट। सो ऑफसेट क्या आएगा, यल टैन अल्फा, या फिर वेरी वेरी स्मॉल एंगल के लिए आप यल साइन अल्फा भी लिख सकते हो। सो इंक्लूडेड एंगल 2 अल्फा दिया है, टेपर का मतलब 2 अल्फा 4 दिया, मतलब अल्फा कितना होगा, 2 डिग्री होगा। तो यल कितना है, 400 mm पूरी लेंथ है, बल्कि टेपर 100 mm पे ही है। टेपर की लेंथ जो है वो 100 mm की है, एंटायर लेंथ ऑफ द वर्क पीस 400 mm है। मतलब तुम्हारा ऑफसेट जो होगा, सेट और जो होगा कितना होगा, 400 sin अल्फा इज द हाफ सेमी एंगल ऑफ दिस टेपर, ओके, और हाफ द टेपर एंगल दैट इज 2 डिग्री। सो आंसर क्या आएगा, 400 sin 2। यस, बी बॉम्बे इज द करेक्ट। क्या आएगा आंसर, 400 sin 2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रुचिका, अमित, सुप्रियंका, अरे सुप्रियंका, बी इज द करेक्ट आंसर, बी। राठौर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड योर स्टूडेंट्स, एक्सलेंट एक्सलेंट। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलो अगर मैं सीबीएन की बात करता हूं या फिर डायमंड की बात करता हूं, जिसमें वी टी टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन है, एन है टेलर्स टू लाइफ एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट की वैल्यू जो होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, 0.7 से लेके 0.9 तक होती है। किसके लिए, डायमंड टूल के लिए या फिर क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड के लिए, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड के लिए। ओके, सो क्या आएगा आंसर इसका, आंसर आएगा डी, डेली इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या आएगा उसका, डी डेली आएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू है। ओके ओके, 0.62 अगर मैं बात करता हूं, ये जनरली 0.42 0.6 सिरामिक्स के लिए होती है, ओके, सिरामिक टूल्स के लिए। 0.7 से लेके 0.9 तक डायमंड या फिर सीबीएन के लिए। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, एचएसएस टूल मटेरियल द इलेमेंट टंगस्टन कैन बी कंप्लीटली रिप्लेस्ड इन हाई स्पीड स्टील टूल। देखो क्या बोला है, इन हाई स्पीड स्टील टूल्स मटेरियल द इलेमेंट टंगस्टन कैन बी कंप्लीटली रिप्लेस्ड विदाउट चेंजिंग द मटेरियल प्रॉपर्टी। इफ यू नो डियर स्टूडेंट्स वेरी वेल एचएसएस कंपोजिशन, यू नो हाई स्पीड स्टील्स वी आर हैविंग 18:4:1 कंपोजिशन। इसमें से 18% क्या होता है, वो होता है टंगस्टन। 18% क्या होता है टंगस्टन, 4% होता है क्रोमियम और 1% होता है वेनेडियम, 1% होता है वेनेडियम। ओके, आप बात करोगे कार्बन, तो अप टू 1% कार्बन भी होता है, बचा हुआ 76% मैट्रिक्स होता है आयरन का, ओके, फेरस का। अगर आप इसको, इस एचएसएस के दो तरीके होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक होता है टी सीरीज जिसमें टंगस्टन होता है, इस 18% की जगह टंगस्टन होता है, या फिर इस टंगस्टन को आप पूरा रिप्लेस कर सकते हो मॉली से, वो बनता है एम सीरीज। ओके, मतलब दोनों का मतलब कॉम्पोजिशन ही खाली चेंज होगा, बाकी लेकिन जो टंगस्टन काम कर रहा है वही मॉलिब्डेनम काम करता है। ओके, सो यस, एचएसएस में आप आइदर 18% टंगस्टन डालो या फिर 18% मॉलिब्डेनम डालो, टंगस्टन होगा तो वो टी सीरीज कहलाएगी, मॉली होगा तो एम सीरीज कहलाएगी। ओके, सो ए ए इज द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। चलो ये आपके जी कोड सीएम कोड के रिलेटेड है, आपके G01 आपको पता है लीनियर इंटरपोलेशन, G03 होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन, अगेन वो होता है कैसे, काउंटर क्लॉकवाइज में होता है। G41 ये कटर कॉम्पेंसेशन के रिलेटेड है, G08 होता है एक्सिलरेशन, और G09 होता है स्टॉपिंग ऑफ द टूल, दैट इज स्पीड रिडक्शन फॉर द एग्जैक्ट स्टॉपेज, दैट इज कॉल्ड एज डिसएक्सिलरेशन और द रिटार्डेशन। मतलब बहुत ही सिंपल है, आपको ये समझ में आ जाएगा, वन ऑफ द क्वेश्चन आया है एनसीसीएनसी से। ओके, वेरी इजी, नो एनी बिग डील इन दैट। ओके डियर स्टूडेंट, सो वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले सेशन के लिए मैं जरूर टेलीग्राम चैनल पे आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो डाल दूंगा। ओके, डू फॉलो मी ऑन द ग्रेडअप ऐप, ऑन दैट आई एम पुटिंग द इंफॉर्मेशंस नोटिफिकेशंस डेफिनेटली, इफ आई नोटिफाई समथिंग यू विल गेट द आइडिया, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। सो डू फॉलो मी ऑन द ग्रेडअप ऐप। सो डियर स्टूडेंट्स, आई विल स्टॉप इट हियर, आई विल स्टॉप इट हियर।
ओके सो यू कैन सी हियर दिस इज अवर दिस आर अवर स्टार फैकल्टीज फ्रॉम द ग्रेड अप धीरज सर ऋषि सर अंकित सर चंद्रशेखर सर अर्षित सर बालाजी सर माई सेल्फ इज ऑल्सो देयर दीज आर अवर अचीवर्स इन टॉप 100 इन ईयर 2020 अमित इट इज येस येस देन इट इज ओके येस येस अमित यू यू शुड वेट नो इन इश्यू मे बी इट्स मे इट्स इज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अवर इंटेंशन इज वॉट यू हैव टू प्रैक्टिस ओके वी हैव टू प्रैक्टिस हाउ दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस सो अमित कुमार वेट करो वेट करो होप फॉर द बेस्ट ओके लेकिन दूसरे के लिए तैयार भी रहना राइट दूसरे चीज के लिए तैयार भी रहना ओके सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स एट 4:30 टूडे ओनली एट 4:30 PM ऑन द ग्रेड अप ऐप वी आर गोइंग टू हैव द क्वेश्चंस ऑन द टॉलरेंस एनालिसिस ओके मेट्रोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे ओके थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन ओके लाइक दिस सेशन शेयर दिस सेशन सम ऑफ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल मैकेनिकल मार्वल्स थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स बाय बाय टेक केयर